नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करूं करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है और 57.64% हुआ मतदान। बीजेपी कांग्रेस समेत 6 प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद। 23 नवंबर को आएगा केदारनाथ उपचुनाव का रिजल्ट। वोटिंग के लिए बनाए गए थे 173 बोलिंग बूथ। 53,526 मतदाताओं ने डाला वोट। 25,197 पुरुष और 28,329 महिलाओं ने किया है वोट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कुल 57.64% मतदान हुआ है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस समेत 6 प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में भी कैद हो गया है। अब 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, जिसमें साफ हो पाएगा कि आखिर किसके सर केदारनाथ का ताज सज गया है। 173 पोलिंग बूथ इस दौरान बनाए गए थे, जिसमें 53,526 मतदाताओं ने वोट डाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ विधानसभा पर उपचुनाव भी हो गया है और इस दौरान बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट भी किया है। कुल 57.64% मतदान हुआ है केदारनाथ विधानसभा सीट पर। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का मत प्रतिशत भी रहा है और क्या माने लोग कितना घरों से निकलकर वोट देने पहुंचे थे? जी विशाल, केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव का मतदान समाप्त हो चुका है और ऐसे में बीते कल जिस तरीके से मतदान हुआ और बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया और काफी उत्साह लोगों में देखने को भी मिला। अगर शुरुआती बात की जाए तो सुबह 8 बजे से जब मतदान शुरू हुआ और एक घंटे में 4% मतदान ही शुरू हो सका, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन शुरू होता गया और धूप निकलती गई, इसके बाद मतदान प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली और करीब 57.64% मतदान जो है केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए हुआ। हालांकि पिछले आम चुनाव के मुकाबले इस बार जो है मत प्रतिशत कम रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो करीब 66% मतदान जो है केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुआ था, लेकिन इस बार जो है मतदान में गिरावट जो है वो जरूर देखने को मिली है। लेकिन अगर बात की जाए 90,875 मतदाता केदारनाथ विधानसभा सीट पर है, जिसमें से करीब 53,500 कुछ मतदाताओं ने जो है मतदान किया है, जिसमें पुरुष मतदाताओं में से अगर बात की जाए तो करीब 25,000 और महिला मतदाताओं ने अपना मत दिया है। तो ऐसे में अब महिला जो वोटर हैं वो अहम भूमिका में इस वक्त केदारनाथ विधानसभा सीट पे है। हार जीत की भूमिका भी कहीं ना कहीं महिला वोटर ही जो है वो निभाती हुई नजर आएगी। हालांकि दोनों ही दलों के द्वारा महिला वोटरों को सीट को लेकर जो है ताल ठोकी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महिला वोटर उनके साथ है, तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि महिला वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन ऐसे में महिलाओं का साथ किसे मिला है, किसे मातृशक्ति का समर्थन मिला है, ये अभी देखने वाली बात होगी और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। 23 नवंबर को ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर केदार घाटी की जनता ने और मातृशक्ति ने किसका सपोर्ट किया है और किसे के स्तर पर ताज सजाने का काम जो है वो केदार घाटी ने किया है। अरुण, क्योंकि 6 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है, अब ईवीएम की किस तरह से सुरक्षा रखी गई है, किस तरह से ईवीएम को सुरक्षित रखा जाएगा और 23 तारीख को क्योंकि नतीजे भी आएंगे फिर इस दौरान? जी विशाल, देखिए जब कल से जो है मतदान हुआ उसके बाद से पोलिंग पार्टी जो है वो अगस्त मुनि मतगणना स्थल पर जो है रवाना हो चुकी है और ऐसे में अभी जो है उसके बाद निर्वाचन की कुछ ही देर में जो है पोलिंग पार्टी जो है वो ईवीएम लेकर मतगणना स्थल पर पहुंच जाएंगी। तो ऐसे में उसकी तैयारियां पूरी जनपद प्रशासन की तरफ से की गई है, निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई है। जिस तरीके से कल पूरे दिन एक जो है शांत तरीके से मतदान शांतिपूर्वक तरीके से हुआ और बिल्कुल अच्छे तरीके से मतदान हुआ, इसी तरीके से जो है मतगणना भी सही ढंग से होगी, उस तरीके का दावा निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। और 6 प्रत्याशियों का भविष्य और एक तरीके से कहेगी उनका राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है और अब जब ईवीएम खुलेंगी उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर किसकी किस्मत केदारनाथ में चमकती है। अरुण, क्या माने प्रत्याशियों का इस दौरान क्या कुछ कहना है, कितना आश्वस्त हैं सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर?
जी सर, देखिए जो भी प्रत्याशी मैदान में होता है सभी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं, सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर केदारनाथ में देखा जाए, ये तो अभी पूरा 23 नवंबर को पता चलेगा कि आखिर किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, किसे कितना समर्थन मिला है। लेकिन अगर अभी तक का समीकरण अगर देखा जाए तो मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ही सीधे सीधे तौर पर टक्कर जो है देखने को मिलेगी। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर मिल रही है देहरादून बीजेपी मुख्यालय में, अहम बैठक नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई, जल्द निकाय चुनाव कराने पर मंथन किया जा रहा है, टिकटों को लेकर के भी मंथन किया जा रहा है। विधायक उमेश शर्मा, कैंट विधायक सविता कपूर मौजूद रही है इस दौरान, संगठन महामंत्री धर्मपुर विधायक विनोद चमोली भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देहरादून बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक हुई है और नगर निकायों को लेकर ये बड़ी बैठक हुई है जहां पर जल्द चुनाव कराए जाने पर मंथन किया गया है, साथ ही टिकटों के बंटवारे को लेकर के भी ये मंथन किया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, क्या माने किस तरह की ये बड़ी बैठक भी हुई और क्या खास रहा इस बैठक में? जी विशाल, देखिए केदारनाथ विधानसभा चुनाव हो चुका है और अब प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और सभी की निगाहें राजनीतिक दलों की वो निकाय चुनाव पर टिकी हुई है। और ऐसे में निकाय चुनाव हालांकि कब तक होंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर तक जो है निकाय चुनाव को करा लिया जाएंगे और दिसंबर माह में जो है चुनाव हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में निकाय चुनाव कब होंगे इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो। भारतीय जनता पार्टी की आज एक अहम बैठक जो है प्रदेश मुख्यालय में हो हुई है जिसमें कि सभी जी बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पिथौरागढ़ में आयोजित प्रादेशिक सेना भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचे युवा अब लौटने लगे हैं, लेकिन भर्ती में पहुंचने से के दौरान युवाओं को कई दिनों तक काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। स्थिति तो ये थी कि कोई टैक्सी में लटक कर लौटा तो कोई बस के डिग्गे में बैठकर लौटने को मजबूर दिखाई दिया। यह अलग बात है कि युवाओं ने जब हंगामा किया तो जिला प्रशासन की तरफ से गाड़ियों की व्यवस्था कर दी गई और सब कुछ सामान्य हो गया। सरकार रोजगार का दावा तो करती है, लेकिन पिथौरागढ़ से सामने आई तस्वीर ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा कर रखी है। दरअसल प्रादेशिक सेना में भर्ती के लिए 117 पदों की बहाली निकली थी, लेकिन बेरोजगारी का आलम देखिए कि 117 पदों पर बहाली के लिए 34,000 से भी ज्यादा युवा पिथौरागढ़ में पहुंचे हुए थे। और इस दौरान सेना में भर्ती के लिए युवाओं में कई तरह के पोस्ट ग्रेजुएट भी थे और ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो फिर एक पद के लिए 300-300 युवा क्यों मारामारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 17,000-18,000 के आसपास की हमारी जो अभी यहाँ अभ्यर्थी हैं वो आए थे और उनकी पूरी व्यवस्थाएँ यहाँ करी गई हैं, उनके रहने खाने और उनके सुरक्षा की व्यवस्था और साथ ही साथ भर्ती स्थल तक पहुँचाने और यहाँ से वापस उनको भेजने के लिए। तो ये जो भीड़ है ये कल शाम हमारे जनपद में पहुँच चुकी है, तब से लेकर के अभी तक लगातार हम लोग जो है फील्ड पे हैं, काम कर रहे हैं और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती चल रही है। टेरिटोरियल आर्मी और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के समन्वय से हमारी बहुत अच्छी मदद करी है। किराया भाड़ा उधर से आए थे, हमें बहुत एक्स्ट्रा किराया देना पड़ा था, हमें डबल 3 गुना किराया देना पड़ा था और अब आज इधर जा रहे हैं, रात को घूमने की व्यवस्था अच्छी थी और अब किराया भी सेम है, जो 340 था वही किराया है, खाने पीने की कनकपुरों की उधर से आए थे, 3 गुना किराया दिया था। प्रशासन का अच्छा व्यवहार है, यहाँ पर अच्छी देखभाल है, बहुत अच्छा काम करा था। हरिद्वार जिले के पथरी थाने में पुलिस स्मार्ट बैरिक का उद्घाटन एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने किया है। उन्होंने नवनिर्मित महिला और पुलिस बैरिकों का शुभारंभ करते हुए थाने में लंबित मुकदमों की भी समीक्षा की है, साथ ही जल्द निस्तारण के निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। दरअसल महिला बैरिक की
अनुपस्थिति के चलते पुलिसकर्मियों को पहले काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एसओ पत्री रविंद्र कुमार ने महिला बैरिक, पुरुष बैरिक, भोजनालय और कार्यालय की जरूरत को देखते हुए इनके निर्माण की स्वीकृति भी प्राप्त की थी। एसओ की देखरेख में ये कार्य समय से पूरा भी हो गया है। आज थाना पथरी में महिला बैरक का उद्घाटन किया गया था। इसमें उसका रेनोवेशन और उसके बाद जो महिला कर्मियों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं उसका उच्चीकरण का हम लोगों के द्वारा एक प्रयास किया गया है। और इसी संबंध में कल भगवानपुर में भी हम लोगों के द्वारा इस चीज़ को देखा गया था। सभी थाना प्रभारियों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है, इस बदलते हुए दौर में जो हमारे कर्मी हैं वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं उसका उच्चीकरण किया जाना आवश्यक है। हरिद्वार के मंगलोर स्थित देवबंद तिराहे पर 14 नवंबर को हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आ गया। देहरादून के RTO शैलेश तिवारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारी अतुल शर्मा, यातायात उप निरीक्षक जगदीश दत्ता और स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घटनास्थल पर हुई घटनाओं की जानकारी ली और भविष्य में ऐसी हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने पर चर्चा की है। RTO शैलेश तिवारी ने कहा है कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जल्दी ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। इसी महीने यहाँ एक देवबंद तिराहा है, उस जगह तो उसमें 5 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है और बहुत दुखदायक ये घटना थी। इसमें जो यात्री थे वो बेसिकली बारात पे जा रहे थे और उनकी गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी पलट गई और काफ़ी पलटते हुए जाकर के लेफ्ट साइड में गाड़ी रुकी है। उसमें गाड़ी में मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, गाड़ी में बहुत डैमेज हुआ है, पूरा गाड़ी छत विच्छत हो चुका है। तो वही हम लोग देखने के आए हैं कि क्या कारण हो सकता है। दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने BS4 और डीजल इंजन की बसों को पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके बाद उत्तराखंड की 194 बसें भी रुक गई हैं। दिल्ली में नो एंट्री की वजह से अब उत्तराखंड परिवहन विभाग में हाहाकार देखने को मिल रहा है। वही यात्रियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। बस एक ही बस लगी हुई है, बल्कि यहाँ पे 2-3 होनी चाहिए थी, है ही नहीं दिल्ली की। दिल्ली के लिए कम है उत्तराखंड परिवहन वाली, यहाँ से मुरादाबाद होके जाऊँगा भाई, मुरादाबाद होके चेंज करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट से। वो तो देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद करी है, उत्तराखंड गवर्नमेंट को तो पूरा प्रबंधन रखना चाहिए ना, उनको तो वहाँ तक यूपी बॉर्डर तक तो भेजनी चाहिए। संवाददाता सलीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को आवाजाही के लिए? अब देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है उत्तराखंड परिवहन निगम से जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से दिल्ली में लगातार ये देखने में आ रहा है कि हर साल जो है प्रदूषण की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती आ रही है, भारी प्रदूषण दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो वाहन VS3 VS4 है या डीजल संबंधी जो वाहन है उनको जो है प्रतिबंधित कर दिया है दिल्ली के अंदर एंट्री पर। और हमारे जो उत्तराखंड में जो ज्यादातर गाड़ियां हैं वो BS3 और BS4 है जिनका इस्तेमाल उत्तराखंड परिवहन कर रहा है। और रामनगर की अगर हम बात करें तो रामनगर से लगभग 26 ऐसे परिवहन के विभाग के पास वाहन है जो दिल्ली के लिए यात्रा करते थे, लेकिन यात्री को लेकर के जाते थे, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि उनमें से मात्र 12 ही बसें जो है दिल्ली के लिए चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि वो जो है लगातार जो है बात कर रहे हैं, सरकार से भी मीटिंग हो रही है, अधिकारियों के बीच में बैठ करके डिसीजन निकाला जा रहा है कि जल्द से जल्दी जो है बसों की जो संख्या है वो पूरी करी जाए। और पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो लगभग 194 जो बसें हैं उनको जो है दिल्ली में बैन कर दिया गया है। जी, तो ऐसे में क्या माने स्थानीय लोगों को, अब किस तरह से जाना पड़ रहा है दिल्ली जाने के लिए, किस तरह की जद्दोजहद उठानी पड़ रही है यात्रियों को? तो स्वाभाविक सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में बसों को एकदम से अगर कटौती कर दी जाए किसी विभाग के द्वारा तो यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से अब जो यात्री जो है ज्यादातर मुरादाबाद के लिए अब यहाँ से वाहन में सवार होकर जा रहे हैं, मुरादाबाद से वो जो है गाड़ियां चेंज कर रहे हैं, मुरादाबाद से जा रहे हैं, कुछ लोग गाजियाबाद के बॉर्डर तक जा रहे हैं, गाजियाबाद के बॉर्डर तक तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ से परिवहन BS6 BS4 गाड़ियों को जाने में, तो वहां जा रहे हैं, वहां से फिर उनको आगे फिर दूसरी बस पकड़नी पड़ रही है जाकर के। तो इस तरीके से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परिवहन विभाग को इस चीज का जो है जल्दी निर्णय निकालना चाहिए, क्योंकि
यात्रियों की जो समस्याएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदाई है, और इससे उत्तराखंड सरकार को भी इसमें विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से परिवहन विभाग का जो नुकसान हो रहा है वाहन न होने की वजह से, और आज इसकी बहुत तगड़ी उनका जो है नुकसान हो रहा है, तो जल्द से जल्द वाहनों की व्यवस्था पूरी करनी चाहिए। संख्या जो 26 है वाहनों की दिल्ली के लिए, तो वो उसको पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल सलीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जसपुर के कोतवाली क्षेत्र में अमृतपुरी पट्टी में एक निजी जमीन की पैमाइश करने पहुंची टीम पर विरोध भी देखने को मिला है, जहां पर टीम को वापस ही लौटना पड़ा है। दरअसल पीड़ित व्यक्ति ने एसडीएम कोर्ट में अपनी जमीन की हटबंदी कराने की एप्लीकेशन लगाई थी, जिसके आधार पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर हटबंदी करने के लिए भी पहुंची थी, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध भी किया और राजस्व विभाग को वापस लौटना पड़ा। जी हमें यहाँ पे सूचना मिली कि अमृतपुर में लोग गए हुए थे पैमाइश के लिए, हमारे लेखपाल, और उसके बाद वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा विरोध दर्ज किया गया है, और उनकी आपत्तियाँ जो भी हैं उनको निस्तारित किया जाएगा, और जो भी हदबंदी का कार्य है उसको दोबारा किया जाएगा हमारी तरफ से। लोहाघाट के सामाजिक कार्यकर्ता राजू भैया ने शराब और सब्जी की दुकानों में रेट लिस्ट लगाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने व्यापार संघ और सब्जी व्यापारियों के साथ बैठक भी की है। लोहाघाट के एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिस्ट ने सब्जी और शराब में ओवर रेटिंग की शिकायत पर गहरी नाराजगी जताते हुए व्यापार संघ और सब्जी व्यापारियों के साथ बैठक भी की है। एसडीएम रिंकू बिस्ट ने बताया है कि ईओ नगर पंचायत और पूर्ति अधिकारी को सब्जी मंडियों में रेट पता कर दुकानों में रेट लिस्ट चस्पा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यदि सब्जी वाले कहते हैं हमारे रेट ठीक हैं, तो आपको रेट लिस्ट लगाने में क्या दिक्कत है? यदि शराब के दुकान वाले कहते हैं हमारे रेट ठीक हैं, तो आप शराब की दुकानों में लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम ये सुनते हैं बार बार कि खटीमा में सब्जी का रेट करीबन आधा पाया जाता है, कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि हम तिगुने भाव में सब्जी ले रहे हैं। हमारे यहाँ 12 महीने खीरे का रेट 40 रुपये किलो होता है, 12 महीने हमारे यहाँ जो रेट एक बार सेट हो गया वही रेट चलते रहता है, जबकि मंडियों में रेट हमेशा सब्जी के उतार चढ़ाव रहते हैं, ये सभी पूरा सबको विदित है। कभी सब्जियाँ कम दामों में मिलती हैं, कभी रेट बढ़ते भी हैं। जो भी है, यदि आप ठीक हैं तो दुकानों पर लिस्ट लगाएं, आप अपने ऊपर इल्ज़ाम ना लें। और जो छोटे दुकानदार हैं उनको मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि वो थोड़ा सा, हो सकता है कि उनको बड़े दुकानदार सामान महंगा पड़ता होगा, लेकिन उनका भी वो सामंजस्य बिठा कर जो भी हो रेट लिस्ट लगाकर अपने आप को सुरक्षित कर। भाई ज्ञापन में कार्रवाई की मांग में ये चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें जो चल रही हैं वो सुव्यवस्थित चलें, आदमी को शिकायत करने का मौका ना मिले। कई चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है कहीं दुकानदार परेशानी में हो, हमने उसमें ये भी लिखा है कि खटीमा टनकपुर से जो भी यहाँ उनका भाड़ा लगता है उसको भी एडजस्ट करा जाए, ऐसा नहीं कि हम वहाँ के रेट में नहीं कह रहे हैं, कुछ भाड़े को भी एडजस्ट करें, उस हिसाब से रेट रखें ताकि जनता को राहत मिले। लोहाघाट बाजार क्षेत्र में सब्जी की ओवर रेटिंग को लेकर और शराब की ओवर रेटिंग को लेकर मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में व्यापार मंडल, लघु व्यापारियों, ईओ और संबंधित जो एफजीआई हैं इनके साथ में एक बैठक की गई है, सभी को विश्वास में लिया गया है और ये निर्धारित किया गया है कि एफजीआई लोहाघाट और ईओ साहब व्यापारियों के साथ में बैठेंगे और सब्जी के एक रेट निर्धारित करेंगे। वो जो रेट लिस्ट फल और सब्जियों रहेगी उसको फल और जो हमारे ठेलियां हैं और जो पक्की दुकानें हैं उस पर ये रेट लिस्ट चस्पा होगी, जिससे कि ग्राहकों को भी सुविधा हो और काश्तकार को भी उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके। अगर कोई उस आदेश को नहीं मानेगा तो संबंधित जो हमारे ईओ हैं वो उस पर कार्रवाई करेंगे और उसके लाइसेंस जब्त करने की कार्रवाई। विकासखंड विकास नगर क्षेत्र के गाँव आदुवाला से एक मामला सामने आया है, जहाँ किसानों का आरोप है कि लगभग 2 वर्षों से फसलों को सिंचाई करने वाली नहर टूटी पड़ी हुई है। कुलियानी नहर को ठीक कराने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार भी लगाई जा चुकी है, लेकिन किसी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण सैकड़ों बीघा गेहूं, लौकी, स्ट्रॉबेरी आदि की फसल खराब होने की कगार पर है। वहीं किसानों ने अपनी फसल खराब होता देख स्वयं के खर्चे से कुलियानी नहर को बनाने का काम शुरू कर दिया है।
है कि दो साल से कह रहे नाली बनाने को बना नहीं रहे। प्रधान को कई बार बोल दिया, सबको बोल दिया, पर नाली बनाने के लिए कोई बना के राजी नहीं है कि आज बनावें, कल बनावें, अगले महीने बनावें कि फसल ठीक हो जाएगी तब बनाएंगे। अभी एक महीने पहले बोले कि हाँ भाई प्रोजेक्ट पास हो गया इसका, कि अभी बनाते हैं कि उसके बाद आके चले गए यहाँ से देखभाल के कि बना नहीं रहे। बस नाली की बुरी हालत है, पानी फिरने की बहुत दिक्कत है, सारी खेत सूख गए हमारे। दुर्गंधर साहब नाली टूटी पड़ी, कभी अस्पताल पर धान था जबकि नाली बनी है, आज 20 साल हो गए, 20 साल हो गए नाली पर, इस पर काम नहीं लगा। और इतने किसान लोग इतने परेशान हैं कि सारे के सारे अपने पैसे से अपने आप ही लग रहे हैं, यहाँ कोई प्रधानी कोई वो नहीं है। फसल की बात करें, फसल खराब होने की स्थिति में इस तरह फसल है सारी खराब ही है, जब पानी नहीं लगता है, पानी इधर उधर भाग जा, वहाँ तक जहाँ तक किसान ने पानी चाहिए वहाँ तक पानी पहुँचता नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी नाली बननी चाहिए। ये सर नाड़ी की हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें, पानी फेरने में बहुत दिक्कत हो रही है, सारी नाड़ी टूटी पड़ी है। सबको बोल दिया, प्रधान को बोल दिया और विभाग वालों को बोल दिया, कोई नाड़ी नहीं बना रहा है। इतनी ज़्यादा समस्या हो रही कि पानी गेहूँ में गेहूँ बोए नहीं जा रही बिल्कुल भी। कब से ऐसी हालत पड़ी है नाली? 2 साल से हो रही सर, 5-6 साल हो गए, 2 साल से बहुत समस्या हो रही सर पानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए होनबिल टीवी। नमस्कार।